Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो तैयारियां शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो बड़ी खबर ये है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, इसका लिस्ट लगभग तय माना जा रहा है और इसी की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी अब इंडिया अलायंस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के बैनर तले यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। वहीं खबर यह भी है कि यूपी में भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। किसको मिलेगी कितनी सीटें, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद को 2, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस को 2, ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और यूपी के मंत्री संजय निषाद की पार्टी निषाद को 1-1 लोकसभा सीटें मिल सकती है। जयंत को मिलेगी कौन सी सीटें, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रालोद एनडीए के बैनर तले पश्चिमी यूपी की बागपत और बिजनौर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है वो सामने नहीं आई है। वहीं बात करें तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिरकार यूपी में कौन बाजी मारेगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए समय समय पर ओपिनियन पोल के भी आंकड़े सामने आ जाते हैं। इस बीच तमाम न्यूज चैनलों के जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके सार्वजनिक किया गया है और इस ओपिनियन पोल को 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में किया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिलती नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही लुढ़कना पड़ रहा है। तो एक बड़ी अपडेट थी। बाकी आपको क्या लगता है, एनडीए जीत पाएगा, बताइएगा। धन्यवाद।